एनी टाइम। आदाब, जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। आइए डालते हैं एक नजर खास खबरों पर। भुसावल शहर में युवक पर चाकू से वार कर बुरी तरह से जख्मी करने की घटना से मचा हड़कंप। घायल युवक का नाम आशिक बेग असलम बेग बताया जा रहा है। ये घटना 28 अप्रैल रविवार को रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच हुई। घायल युवक को फिलहाल गोदावरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भुसावल पुलिस द्वारा की जा रही है घटना की जांच। इस घटना से सामान्य लोगों में दहशत का माहौल है। जलगांव जिला के 40 गांव शहर में युवक ने कायम की ईमानदारी की मिसाल। 7 ग्राम सोने के साथ साथ 8,000 रुपए की रकम संबंधित व्यक्ति के हवाले करने वाले विजय आनंदा गौड़ी की हर तरफ सराहना की जा रही है। 40 गांव के जामदा निवासी दीपक भगवान कोली अपनी पत्नी के साथ 40 गांव में शॉपिंग के लिए आए थे, जहां वापसी के दौरान दीपक कोली की पत्नी ने गलती से अपनी पर्स को विजय गौली की बाइक पर रख दिया। इसके बाद अपनी गलती का एहसास होने पर दीपक कोली ने तुरंत ही पुलिस से संपर्क किया। तभी विजय गौली ने ईमानदारी दिखाते हुए पर्स को 40 गांव पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस समय पुलिस निरीक्षक श्री विजय कुमार ठाकुरवाड़, पुलिस इंस्कॉन्स्टेबल श्री गोपाल बेलदार तथा पुलिस इंस्कॉन्स्टेबल श्री राहुल गुंजाले ने विजय गौली की सराहना की। जलगांव शहर में ईदगाह तथा कब्रिस्तान में चलाया गया स्वच्छता अभियान। लगभग 250 लोगों की मदद तथा 4 ट्रैक्टर और 2 घंटा गाड़ियों की मदद से चलाए गए इस स्वच्छता अभियान में लगभग 12 टन कूड़ा साफ किया गया। भाऊ साहब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान तथा जलगांव शहर मुस्लिम कब्रिस्तान तथा ईदगाह ट्रस्ट ने इस कार्य में अहम भूमिका निभाई। इस सफाई अभियान में ईदगाह मस्जिद के मुअज्जिन ताहिर शेख, मनियार बिरादरी के जिला अध्यक्ष फारूक शेख, अनीस शाह, इकबाल बागवान, गनी पिंजारी, सलीम इनामदार, आरिफ देशमुख आदि ने इस कार्य में मार्गदर्शन किया। आज 29 अप्रैल को नासिक जिला में होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव। मतदाताओं द्वारा किया जा रहा है जनता से मतदान करने का आह्वान। आज आम्ही मतदान करून आलोय मतदान केंद्राबाहेर। सगळ्यांनी मतदान करा, कारण देश बदलत आहे, ते बदलले पाहिजे। आणि आज सर्व लोकांनी मतदान करून आपला मतदान अधिकार सर्वांनी बजावला पाहिजे, ही सर्वांना मनपूर्वक विनंती। मतदान हे केलंच पाहिजे काही, आणि तो आपण। मी ईश्वर भाई संसारे, न्यूज एनी टाईम, चांदवड। सुजन नागरिकांनो व युवा मतदारांनो जागरूक व्हा, देश चांगला घडवण्यासाठी आपला हातभार लावा, आपले अमूल्य मतदान करून देशाची ओळख निर्माण करा। वोट फॉर इंडिया, चला 100% मतदान करूया। नमस्ते।